हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ हार्डमानिया इट्स टाइप स्टडी तो अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा जनरल कैरेक्टर्स पढ़े तो एक तरह से पाइसेस तक हम लोग पहुंच गए थे तो हमने आपका जो फोर्थ यूनिट है वहां तक टच किया फोर्थ यूनिट का फर्स्ट पॉइंट थर्ड यूनिट का भी फर्स्ट पॉइंट जिसमें ये नाथा आता है ठीक है तो इस तरह से हर एक यूनिट का फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट हमने कवर अप कर लिया है अब उसके बाद के पॉइंट्स करने हैं कंप्लीट और फर्स्ट यूनिट आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ओके सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड यूनिट्स सेकंड टॉपिक दैट इज़ हार्डमानिया सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्डमानिया आप देखिए ब्राउनिश पिंक कलर में ये हार्डमानिया दिख रहा है और इसके जो साइफन्स हैं या फिर एट्रियल एंड ब्रैंकियल अपर्च्स हैं वो दिख रहे हैं तो ये दिखने में बिल्कुल बैग जैसा आपको नजर आ रहा है ओके okay? सो so, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं अबाउट हार्डमानिया सो दीज आर फाउंड इन शेलो नेचर एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड सी स्क्वर्ट तो सी स्क्वर्ट समुद्री एनिमल है दैट इज़ वाई सी स्क्वर्ट इसका नाम है एंड दीज आर हर्मा प्रोडाइट एनिमल्स मतलब मेल एंड फीमेल्स दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है इट्स फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एक्सटर्नल का मतलब ये है कि मेल एंड फीमेल अपने गेमिट्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं एंड देन वाटर में फर्टिलाइजेशन uh, होता है दैट इज़ वाई फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल नॉट इन द बॉडी बेसल अटैच्ड पार्ट ऑफ इट इज़ कॉल्ड फुट तो इसकी बॉडी का जो पार्ट होता है अटैसड होता है दैट इज़ नोन एज फुट डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट एक छोटा हारमानिया बॉर्न नहीं होता है उसकी जगह पर पहले लार्वल कंडीशन होती है जो लार्वा इसका होता है सबसे स्पेशल बात यह है कि इसके लार्वा जो हैं वो बहुत एडवांस्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू एडल्ट के इसीलिए इनको हम ए में रखे हैं जो क्लास ए सी टी ए सी आप बता आपको बताया है उसका खास करेक्टरिस्टिक ही यही है कि इसके एडल्ट जो हैं वो कैसे होते हैं वो मूवेबल नहीं होते हैं फिक्स्ड होते हैं ठीक है एडवांस्ड नहीं होते हैं जबकि लार्वा जो है इसके एडवांस्ड होते हैं सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट वाया लार्वल कंडीशन साइज नियर अबाउट नाइन टू थर्टीन सेंटीमीटर लगभग होते हैं एंड इसके अलावा इसका जो वथ्थ होता है दैट इज़ नियर अबाउट सेवन टू टेन सेंटीमीटर एंड इसकी थिकनेस जो होती है दैट इज़ अराउंड फोर टू सेवन सेंटीमीटर सो इट इज़ पिंकिश इन कलर अब हम सबसे पहले इसके इसका फिगर आप देखते रहो साथ ही साथ मैं आपको इसका सिस्टमेटिक पोजीशन भी फिर से याद दिला देती हूँ कि क्या है तो फिगर में आप सिंपली हर्मानिया को देख रहे हो नीचे वाला पोर्शन फुट है और ऊपर की तरफ क्या है दो अपर्चर्स नजर आ रहे हैं दैट इज ब्रांक्यल अपर्चर ऑन द लेफ्ट साइड एंड एट्रियल अपर्चर ऑन द राइट साइड तो जो ब्रांक्यल अपर्चर होता है दैट इज एक्चुअली माउथ ओके सो इनलेट होता है मतलब वाटर इनसाइड एंटर करता है ब्रैंक्यल अपर्चर से और आउट किधर से होता है एट्रियल अपर्चर के थ्रू तो उसको आप उस साइड का आप एनस के एस सच एनस जैसा मान सकते हो <coughs> इसके अलावा <coughs> इसकी बॉडी जो है टेस्ट और ट्यूनिक आपको नज़र आ रही है तो ये ऊपर की कवरिंग है बॉडी के ऊपर की कवरिंग है तो सिस्टमेटिक पोजिशन पे आप आ जाइए फाइलम हमने आपको क्या बताया आप लोग कॉर्डेट्स पढ़ रहे हो तो फाइलम कॉर्डेटा तो कॉर्डेटा का कैरेक्टर आपको पता है डॉर्सल ट्यूबर <coughs> नर्व कॉर्ड नोटो एंड प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड स्लिट्स तो ये स्लिट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे इसके लार्वल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा <coughs> ये स्लिट्स जो है एडल्ट्स में भी इसके होते हैं सो नेक्स्ट इसेनिया यानी कि क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होता है हेड प्रेजेंट नहीं होता है तो ये प्रोटोकॉडेट्स में आते हैं ओके सो नेक्स्ट है सब फाइलम दैट इज़ यूरोडेटा तो सब फाइलम यूरोडेटा का मतलब ये है कि इसके जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो सोलिटरी भी हो सकते हैं कोलोनियल भी हो सकते हैं फिक्स्ड भी हो सकते हैं फ्री लिविंग भी हो सकते हैं आ, लेकिन इनका जो टेस्ट होता है वो क्यूटिकुलर होता है या फिर ट्यूनिसिन का बना हुआ होता है तो ये ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है सब फाइलम यूरोडेटा का जिसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं क्या खासियत है कि इनमें टेस्ट पाया जाता है और ये टेस्ट ट्यूनिसिन का बना हुआ होता है एक तरह की प्रोटीन होती है सो so, सब फाइलम के बाद हम आ जाते हैं क्लास में क्लास हमने आपको एसी बताया था so, सो एसीडी के जो भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनमें परमानेंट टेस्ट तो प्रेजेंट होते ही हैं इसके अलावा ब्रैंकअल सैक जो है इनका बहुत बड़ा होता है और दीज एनिमल्स आर परफोरेटेड बाई न्यूमरस गिल्स स्लेट्स तो एस सी के अलावा और जो दो क्लासेस थे यूरोकार्डेटा के वो क्या थे थैली थे और लार्वेसिया थे तो आपको एस सी डी के केस में याद रखना होगा नाउ कम टू द ऑर्डर ऑर्डर क्या है इसका प्लेरोना है <coughs> हार्डमानिया का ऑर्डर इज़ प्लेरोना तो एक और जो दूसरा ऑर्डर था दैट वाज एंट्रोगोना तो हमने प्लेरोना में आपको क्या बताया था कि गोनेट्स प्लूरो और गोना गोना से मतलब क्या होता है गोनेट्स से है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू गोनेट्स तो हारमानिया में जो गोनेट्स होते हैं वो सिंगल से ज़्यादा होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं दैट इज़ वाई गोना और प्लस ये थोड़ा सा दबे हुए से होते हैं ओके सो so, <coughs> इनकी बॉडी जो है गोना की बॉडी अनडिवाइडेड होती है कॉम्पैक्ट होती है और इसके अलावा इनमें गोनेट्स दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं इसके अलावा इनका जो डोर्सल या लेटरल साइड होता है उसमें न्यूरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो ये सिस्टेमैटिक पोजीशन की बात हो गई अब आते हैं हम हार्डमानिया के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं सो so, इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाइए सो हार्डमानिया इज सॉलिट्री मराइन फॉर्म बट समाइम्स टू और मोर एसीडियंस आर फाउंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी बेटा मैं आप लोगों को जो भी लेक्चर देती हूँ आप लोग पेन और आ, पेपर या अपना नोटबुक लेके बैठा करो ताकि आप उसको नोट करते जाओ ठीक है तो धीरे धीरे आप लोग नोट करते रहोगे तो आपके नोट्स भी बनती जाएगी साथ में सो so, आगे बढ़ते हैं हम हार्डमानिया फाउंड इन शैलो वाटर ऑफ द इंडियन कोस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसकी आपको बताऊं कि आ, कुछ ऐसे मतलब हारमानियाज होते हैं जो कि कम्यनसेलिज़म आपने सुना होगा ये कम्यनसेलिज़म एक तरह का रिलेशनशिप होता है ठीक है सोसाइटी में किस तरह का आपका रिलेशनशिप है लोगों से तो कम्यनसेलिज़म का मतलब ये होता है कि होस्ट और उसके साथ में जो भी कनेक्टेड है कोई भी ऑर्गेनिज्म दोनों को इक्वली कुछ ना कुछ बेनिफिट होता रहता है ठीक है तो कमेंसेलिज्म कैसे तो हार्डमानियास आर फाउंड अटैच्ड टू सम लिविंग गैस्ट्रोपॉड शेल्स तो गैस्ट्रोपॉड आप लोग मलस्क पढ़ चुके हो तो मलस्क की शेल से ये अटैच हो जाते हैं क्यों क्योंकि इनका फुट रीजन जो होता है वो इसीलिए होता ही है अटैच होने के लिए होता है तो एडल्ट एडवांस्ड नहीं होते हैं लार्वा की तरह मूव नहीं कर सकते सो एडल्ट्स आर इमूवेबल सो दे आर अटैच टू समेटम तो ये सब्स्टेटम कुछ भी हो सकता है कोई दूसरा ऑर्गेनिजम भी हो सकता है तो गैस्ट्रोपोट शेल से ये अटैच हो जाते हैं तो इसका गैस्ट्रोपॉट का एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ टर्बीनेला यूजली फाइलम ट ये, ये सॉरी टर्बीनेला जीनस है जीनस टर्बीनेला पायरम तो यूजअली इसे अटैच्ड हारमानियाज दिखाई देते हैं मिल जाते हैं अक्सर कर तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है तो इन दिस एसोसिएशन एसीडियन इज बेनिफिटेड इन बींग कैरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस तो जहाँ जहाँ वो गैस्ट्रोपॉड जाएगा उसके साथ साथ हार्डमानिया अटैच्ड है वो भी पहुँच जाएगा मतलब घूमता रहता है लोकोमोशन तो इसमें नहीं है है ना लेकिन ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अगर शेल पे अटैच्ड है तो ये भी अपना थोड़ा घूम फिर सकता है मज़ा मस्ती ले सकता है ओके सो तो एक ये फायदा इसको हो गया ठीक दूसरा एक और फ़ायदा है कि इनका जो गैमिट्स होते हैं इनके वो भी प्लेस टू प्लेस बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं ठीक है सो दे गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड डिस्पर्सिंग इट्स एक तो दोनों फ़ायदे हैं एक तो घूमना मज़े लेना ये पहला हो गया दूसरा हो गया खाना पीना मतलब अच्छा फूड मिल सकता है तरह तरह का वैरायटी ऑफ फूड्स मिल सकते हैं और तीसरी चीज़ हो सकती है कि ये अपने एग्स या स्पॉम्स को रिलीज कर सकते हैं प्लेस टू तो प्लेस ठीक है सो द गैस्ट्रोपॉड का आप क्या फ़ायदा ये भी देखना होगा द गैस्ट्रोपॉड इन टर्न इज वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनिमीज किस तरह से प्रोटेक्टेड होते हैं क्योंकि एसीडियंस जो होते हैं उनमें इस्पील्स पाए जाते हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसकी टेस्ट में जो ट्यूनिक होता है उसमें क्या होता है स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारी वैरायटी ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये स्पीक्यूल्स जो होते हैं वो एक तरह से गैस्ट्रोपॉट को प्रोटेक्ट करता है ठीक है सो फ्रॉम द एनिमीज एज एसीडियंस हैज़ स्पिक्यूज विच मेक इट अनप्लीजेंट टू ईट तो गैस्ट्रोपॉट को कोई खा नहीं सकता है क्योंकि हडमानिया के स्पीक्यूज जो है वो अनप्लीज टेस्टी नहीं होते हैं दिखने में भी बहुत बेकार से होते हैं ठीक है और छुपते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो कोई दूसरा और गैस्ट्रोपॉट से बड़ा कोई भी ऑर्गेनिज्म गेस्ट्रोपोट को खा नहीं सकता हार्डमानिया की वजह से क्योंकि हार्डमानिया उसके साथ अटैच्ड होते हैं ओके सो so, दोनों तरफ से बेनिफिट हैं तो हैबिटेट आपको बता दिया एक मतलब रिलेशन बता दिया कमन का उसके अलावा इसके हैबिटेट पर आ जाइए कि दे इन्ेबिट रॉकी बैट्स इन कोस्टल वाटर्स ऑफ इंडियन सीज इसके अलावा दे आर सेडेंट्री अकेले होते हैं एंड uh, इनकी बॉडी कैसी होती है ध्यान दीजिए देखिए बॉडी इसकी पर्स लाइक और बैग लाइक है न बॉडी पिंकिश विथ रेड पैचज पिंक कलर के होते हैं और कुछ रेड कलर के पैचेस भी होते हैं इसके अलावा इनमें फुट प्रजेंट होता है फुट के अलावा आप देखिए साइफनस भी दिख रहे हैं इसमें दो अपॉर्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया ब्रैंकेल एंड एट्रियल अपॉर्चर्स तो ये अपॉर्चर्स कंटिन्यू करते हैं साइफन में ओके सो वाटर इन एंड वाटर आउट होने के लिए होता है इसके अलावा इसकी बॉडी की जो कवरिंग होती है दैट इज अ टेस्ट तो टेस्ट इज इस थिक इसका टेस्ट कैसा होता है थिक होता है काफ़ी मोटा प्रोटेक्टिव होता है इस भी प्रेजेंट होते हैं लेदरी होता है ट्रांसल्यूसेंट होता है ट्रांसल्यूसेंट से मतलब ये हो गया कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है जिसकी वजह से अंदर के इसके ऑर्गन्स भी नज़र आने लगते हैं यानी कि एलिमेंट्री कैनाल वगैरह या फिर गिल स्लेट्स है ना और ब्लड वेस ये सब दिखते हैं उसके अंदर से ट्रांसल्यूसेंट टेस्ट इसकी जो होती है ट्रांसल्यूसेंट होती है उसकी वजह से सो कवरिंग अराउंड द बॉडी सो टेस्ट इज कवरिंग अराउंड द बॉडी इसके अलावा इनमें क्लियर जिलेटिनस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं कैप्सल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा इंटरलैकिंग फाइब्रल्स होता है ब्लड वेसल्स होते हैं और जो इसके स्पिक्यूल्स होते हैं वो दो वैरायटी के होते हैं दो तरह के स्पिक्यूल्स होते हैं पहला है माइक्रो स्क्लेयर्स एंड दूसरा है मेगा स्क्लेयर्स तो ज़्यादा क्वांटिटी में स्क्लेयर, स्क्लेयर्स होते हैं और थोड़े बहुत मेगा स्क्लेयर्स भी होते हैं अभी हम आगे इसका फिगर भी दिखाएंगे लेकिन अभी आपको इस फिगर पे फोकस करना है तो एक ख़ास चीज़ और मैं आपको बताऊँ हडमानिया की कि इसका जो बॉडी होता है उसका जो सिस्टम होता है वो डायगोनल होता है डायगोनल से मतलब ये है कि आप देखिए दो रेड कलर के स्क्वेयर्स आपको दिख रहे हैं तो ये दो रेड कलर के स्क्वायर्स क्या हैं इस पर आप ध्यान दीजिए कि इसका जो आ, एंटीरियर पार्ट है या एंटीरियर एंड है वो एक साइड में है और दूसरा जो पोस्टीरियर एंड है वो डायगोनली है डायगोनली के मत, का मतलब क्या होता है इस तरह से तिरछा होता है तिरछा तो एक उस साइड में और एक इस साइड में ओके तो ये इसकी सीमिट्री खास सीमिट्री सिमे, है प्लस आप दूसरी तरफ देखिए ग्रीन कलर के सर्कल्स आपको दिख रहे हैं वो भी आपको इस तरह से डायगोनल दिख रहे हैं लाइक दिस ओके सो ये चीज़ क्या है आपका आ, अगर हम इसके डॉर्सल रीज़न की बात करें तो डॉर्सल साइड इसका आप देख लीजिए कि राइट साइड में ऊपर की तरफ को डॉर्सल साइड है जबकि इसका वेंट्रल साइड राइट साइड में ना हो के लेफ्ट साइड में है ये ध्यान दीजिए लेफ्ट साइड में इसका वेंट्रल साइड है सो ये डायगोनली हो गया ओके सो डॉर्सल एंड वेंट्रल डायगोनली एंड इसके अलावा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन आर आल्सो डायगोनल ओके सो ये इसका स्पेशल सिमिट्री होगी हारमानिया की अब आप इस फिगर में ध्यान से देखिए इसमें आपको बाहर की कवरिंग जो टेस्ट और ट्यूनिक है और अपर्चर्स है फुट है ये सब कुछ दिख रहा है ठीक लेकिन डॉटेड लाइन में आप देखो कि अंदर की तरफ की इसकी बॉडी किस तरह की दिखती है सो पोजिशन ऑफ बॉडी इन साइड द टेस्ट इज़ लाइक दिस सो आप राउंड बिल्कुल ऐसे थैले जैसा दिख रहा है और दो तरफ से इसके साइफंस भी क्लियरली विजिबल हैं जो कि बाहर से आपको सिर्फ उसका अपर्चर दिखता है साइफन नहीं दिखता लेकिन देखिए पाइप जैसे उसमें साइफन भी प्रेजेंट है सो so, इंटरनली ये ट्रांसल्यूसेड होने की वजह से अंदर की बॉडी भी इस तरह की नज़र आती है ना कम टू द बॉडी वॉल किस तरह की बॉडी वॉल होगी इसकी सो बॉडी वॉल को ही हम सबसे पहली बात मेंटल भी बोलते हैं इस एनिमल का बॉडी वॉल या फिर मेंटल एक ही बात हो गई सो इट मे सिक्रीट टेस्ट सो मेंटल से टेस्ट का सिक्रीशन होता है एंड अटैच टू इट एट एट्रियल एंड ब्रेंक्यल अपर्चर्स तो ये जो टेस्ट सिक्रीट हो रहा है वो एंटीरियर सॉरी एट्रियल एंड ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू ये अटैच्ड होता है ठीक है इसकी बॉडी वॉल पूरी सो so, मेंटल uh, से टेस्ट सीक्रेट होता है देन इसके बाद इसकी बॉडी वॉल में थ्री मेन लेयर्स प्रेजेंट होते हैं सो थ्री मेन लेयर्स क्या हैं इसके फर्स्ट वन इज आउटर एपिडर्मिस एंड second वन इज़ mesenchyme, third one थर्ड वन इज़ इनर एपिडर्मिस तो आपको याद क्या रखना है कि आउटर एपिडर्मिस एंड इनर एपिडर्मिस के बीच में क्या प्रजेंट है मीज तो थ्री लेयर्स हो गई इस तरह से देन देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स ऊपर की तरफ आप देखिए टेस्ट में जो स्पिक्यूल्स है मेगा एंड माइक्रो ये दोनों तरह के स्पिक्यूल्स नजर आ रहे हैं स्पिंडल शेप जो है वो मेगा uh, स्क्लेयर्स हैं और बाकी के रॉड लाइक्स जो दिख रहे हैं दोज आर द माइक्रोस्लेयर्स नीचे की तरफ आपको ढेर सारे वराइटी ऑफ सेल्स जो कि टेस्ट में प्रेजेंट होते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स इन टेस्ट आर लार्ज ईओसिनोफिलिक्स सेल्स पहला सबसे बड़ा आपको दिख रहा है ईसिनोफिलिक्स सेल्स देन उसके बाद स्मॉल ईसिनोफिलिक्स सेल्स देन उसके अलावा ग्रैन्युलर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं ग्रैन्यूल सेल्स के अलावा स्क्वेमस एपिथीलियल सेल्स जो आपको थोड़ा सा हेक्सागोनल टाइप में दिख रहे हैं ना डट इज दो आर एस्क्वेमस एपीथीलियल सेल्स और लास्टली आपको ढेर सारे न्यूरॉन्स लाइक नर्व सेल्स नज़र आ रहे हैं सो so, ये सारी सेल्स जो है इसके बॉडी में इसके बॉडी वॉल में प्रजेंट होती है इसके अलावा अब हम टेस्ट ऑफ हार्डमानिया का अगर ट्रांसफर सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन को ही हम वर्टिकल सेक्शन भी कहते हैं सो so, आप वी एस बोलिए या टी एस बोलिए बात एक ही है ओके okay? सो so, um, सबसे पहले नंबर पे आप देखिए नॉब लाइक गोल गोल से मतलब एंड जैसे ट्री होता है ना तो ट्री की कुछ ब्रांचेस होती हैं तो आप ट्री के फॉर्म में जो ट्री की ब्रांचेस हैं उनको आप मान लो टेस्ट वेसल्स सेकेंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा टेस्ट वेसल्स अब ये टेस्ट वेसल्स जो है इनका एंड कैसा है लोब्यूलर है या ग्लोब्यूलर है राउंड राउंड सा है ठीक है सो so, ये नॉब्स कहलाते हैं यानी कि टर्मिनल नॉब्स ओके तो फर्स्ट नंबर पे आपको टर्मिनल नॉब्स दिख रहे हैं सेकेंड नंबर पे टेस्ट वेसल्स नज़र आ रहे हैं थर्ड नंबर पे आपका माइक्रोस्लेयर्स छोटे छोटे से माइक्रोस्लेयर्स दिख रहे हैं आपको तो ये रॉड लाइक हैं ऊपर से थोड़ा सा ये राउंडेड होते हैं ओके इसके अलावा फोर्थ नंबर पे मेगा स्क्लेयर्स जो कि स्पिंडल शेप्ड हैं ठीक है थीके? स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है मिडल पोर्शन इसका ब्रॉड होता है और बाकी एंटीरियर और पोस्टीरियर रीज़न जो होता है वो टैपरिंग होता है पॉइंटेड होता है ओके सो दीज आर द मेगा स्क्लेयर्स एंड इसके अलावा टेस्ट सेल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है अभी कि बहुत सारे योसिनोफिलेिक ग्रेन्युलर नर्व सेल्स सब तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड टेस्ट ग्राउंड सब्सटेंसेस इसके अलावा नीचे कुछ ग्राउंड सब्सटेंसेस भी इसके टेस्ट में प्रेजेंट होते हैं अब आप ये फिगर देखो इस फिगर में आपको ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि आप अगर ऊपर के साइड से यानी कि आप डॉर्सल रीजन भी कह सकते हो और एंटीरियर एंटीरियर पोर्शन भी कह सकते हो ठीक है सो so, डॉर्सल साइड आपका राइट अपर साइड हो गया और इसके अलावा एंटीरियर साइड जो हो गया वो लेफ़्ट अपर साइड हो गया ठीक है तो आप देखिए कि इसके दो साइफन्स नज़र आ रहे हैं एट्रियल एंड ब्रैंकियल साइफंस और आप देखिए इसके अंदर साइफन के अंदर बहुत सारा ये नेटवर्क नज़र आ रहा है ठीक है तो ये मसल्स वगैरह हैं वो आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद अब पहला इसका सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम ओके आ, लेकिन इससे पहले डाइजेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले सॉरी मैं फिगर भूल गई हूँ बेटा आप लोग बुक खोलना उसमें मसल्स वाले ये जो इसमें साइफन के अंदर जो दिख दिख रहा है मसल्स का नेटवर्क वो आप लाइन ड्राइंग के फॉर्म में अपनी बुक में देखिएगा बुक खोटपाल की भी हो सकती है जॉर्डन एंड वर्मा की हो सकती है तो आप वर्टिब्रेड की कोई भी बुक वीर भीरबाला रस्तोगी की बुक आप देख सकते हो ठीक है तो कई सारे ऑथर्स की बुक है आप उस बुक को खोल के देखोगे तो आपको उसमें ढेर सारे मस्कुलर बैंड्स नज़र आएंगे ठीक है तो हमने आपको सीलोम के बारे में अभी नहीं बताया हमने सिर्फ मेंटल के बारे में बताया उसके बाद अब हम मेंटल के, में हम के बाद आगे चलते हैं इसका सीलोम या एट्रियम तो एक तरह से इसके एट्रियम को जो आ, आ, होता है वो फेरिंग्स भी कहलाता है सो so, आपको मैं ये बता दूं कि हार्डमानिया में सिलोम कायदे से देखा जाए तो प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है लेकिन सिलोम के फॉर्म में इसका जो हार्ट होता है हार्ट का पेरिकार्डियम होता है उसको हम मान सकते हैं कि हाँ भाई एक मतलब सिलोम टाइप की चीज़ कुछ वहाँ पर है जो पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है ठीक है सो द सीलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड है ना हारमानिया का सीलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड ड्यू टू एनकोचमेंट ऑफ एट्रीयम एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ द बॉडी कैविटी तो ज़्यादातर पोर्शन जो है वह एट्रीयम ही होता है एट्रीय का होता है तो बॉडी कैविटी इसमें प्रजेंट इस तरह से नहीं होती है या होती भी है तो रिड्यूस्ड फॉर्म में ओके सो दीज आर रिप्रजेंटेड बाई कार्डियल कैविटी एंड गोनेट्स तो एट्रियम में क्या होगा पेरी कार्डियल कैविटी है ना यानी कि हमने आपको हार्ट की कवरिंग बताई ना अभी कि वही एक है तो रिड्यूस्ड इसीलिए बोला जा रहा है कि बस वहाँ पे कैविटी टाइप की चीज़ है पेरी कार्डियल कैविटी एंड इसके अलावा इसका एट्रियम जो है पूरा वो गोनेट्स से कवर्ड होता है सो द कैविटी एंड द विसरल ऑर्गन विसरल ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा इसकी कैविटी जो रिड्यूसड फॉर्म में कैविटी है जो कि पूरा कवर्ड हो गया एट्रियम के थ्रू ठीक है तो सिलोम की जगह इसलिए हम इसको एट्रीयम बोल रहे हैं तो एट्रीम में जो विस्रल ऑर्गन्स होते हैं विस््रल ऑर्गन यानी कि जैसे कि हमारा एबडोमिन है तो हमारे एबडोमिन एब्डॉमें, एबडोमिनल पोर्शन में जो जो चीज़ें होती हैं अंदर की तरफ बॉडी के अंदर उसको हम विस्टरल ऑर्गन्स बोलते हैं ठीक है थोड़ा तो ऐसे कहना एबडामिनल कैविटी में जो भी मोस्टली एबडोमिनल कैविटी की चीज़ें जो होती हैं वो विस्रल ऑर्गन्स में आ जाती हैं सो so the, uh, these are found between mantle and uh, pharynx is known as atrium so pericardial cavity ke bare mein bata diya so atrium is crossed by vascular tuberculi extending between the branchial sac and mantle so, इस तरह से इसकी general body की जो anatomy है उस पर अगर हम आ जाएं तो आ, आ, तो एक तरह से देखा जाएगा कि इसका जो लेफ्ट पोर्शन है उस पर हमें ध्यान देना होगा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ठीक है तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी ओरल एंड एट्रियल साइफन प्रेजेंट होगा लेफ्ट साइड में ठीक है आपको दिख भी रहा है साइफन सो एट्रियल साइफन देन दिस साइफन विल कंटिन्यू विद देयर थिक सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स तो आपको इसके अंदर मसल्स जो है आपको राइट right साइड में उधर वाला साइफन जो एट्रियल वाला है वो नहीं दिख रहा दूसरी साइड का लेकिन दिख रहा है तो आप मसल्स उसके अंदर देख रहे हो लाइन ड्राइंग में बुक में भी आप देख लीजिएगा कि किस तरह से उसके मस्कुलर बैंड्स नजर आते हैं ठीक है सो एन्युलर मसल्स उसको बोलते हैं ना एन्युलर फॉर्म में होते हैं लाइन से एक के बाद एक के बाद दूसरा ऐसे ऐसे कंटिन्यू करता चला जाता है ठीक है ऐसे लाइक दिस सो सो मसल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं लेकिन आपको लाइन ड्राइंग में आपको बुक में देखना होगा इसके अलावा दे हैव वाइड लूप ऑफ इंटेस्टाइन एंड अ पार्ट ऑफ लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर लिवर भी नज़र आएगा और लेफ़्ट गोनेट भी नज़र आएगा तो हम एक तरह से ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं सब आपका इसकी बॉडी का जो पोर्शन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जा रहा है तो यहाँ पर आप इस फिगर में देखो कि आपको बाहर निकला हुआ है। ऐसे पाइप लाइक जो दिख रहा है दैट इज़ द एलिमेंट्री कैनाल तो ये एक तरह से इसलिए दिखाया गया है कि अगर हम डिसेक्ट करेंगे तो उसको अलग से आपको अंदर की तरफ को आपको क्लियरली नहीं दिखेगा इसका एलिमेंट्री कनाल इसलिए अलग से करके इसको रिप्रेजेंट किया गया है तो इसका एंड पे एनस नज़र आ रहा है बाहर की ओर को निकला हुआ है ना और बाकी का इसका पोर्शन है सो so, एलिमेंट्री कनाल में क्या क्या चीज़ें होंगी माउथ होगी माउथ यानी कि ब्रैंकेला पर्चर इसके अलावा बक्ल कैविटी फैरिंग्स एंड स्टमक ठीक है आप एक बात ध्यान दीजिए ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर दोनों में फ़र्क है तो एट्रियल अपर्चर से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एट्रियम से एट्रियम और एट्रियल अपर्चर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं सो एट्रियम एक्चुअली सीलोम को बिलोंग करता है है ना तो ये सीलोम कैसा होता है रिड्यूस फॉर्म में होता है या फिर हम इसी को फेरिंगजल रीजन मान सकते हैं तो इसमें ये पूरा मतलब इसका ज़्यादातर पोर्शन जो होगा वो कवर अप होता है फेरिंग्स से ठीक है इसकी बॉडी का अलग टाइप का है ये हार्डमानिया बिल्कुल मतलब जो और ऑर्गेनिज्म में नहीं है इसमें है तो इसमें नई नई चीज़ें आपको दिख रही हैं सो बकल कैविटी देन फैरिंग्स देन स्टमक इंटेस्टाइन रेक्टम एंड एनस तो इसको थोड़ा सा मैं इलाज करके भी आपको दिखा देती हूँ आपको बुक भी कंसल्ट करना होगा आप देखिए इलाज करने पे थोड़ा सा लेबलिंग क्लियर नहीं है बट फिगर क्लियर है ओके तो इसमें ढेर सारे जो है ट्रांसवर्स वेसल्स भी दिख रहे हैं स्टमक वाला पोर्शन दिख रहा एंडो है एंडोस्टाइल है ठीक है ये सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं बहुत क्लियर तो नहीं है हम एक और फिगर अभी आपको दिखाएंगे ठीक है फिलहाल आप डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जब शुरू करोगे अगर मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया आपके लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे उसमें सबसे पहले आप एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब करोगे और एलिमेंट्री कैनाल के जितने पोर्शन है उसके बारे में बता दोगे ठीक है दूसरा हो गया एलिमेंट्री कैनाल से ही मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड दूसरा हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड तो ग्लैंड में लिवर है और पाइलोरिक ग्लैंड ये दो तरह के इसमें ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं सो so, लिवर से एमाइलेज प्रोटीज एंड लाइपेज का सिकुएशन होता है ठीक सो हार्डमानिया की फीडिंग हैबिट क्या है ये भी बताना आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत जरूरी है सो हार्डमानिया इज अ सिलियरी सिलिया प्रेजेंट होते हैं उसमें ठीक है अंदर तो सीलियरी भी कह सकते हैं या फिर फिल्टर फीडर तो ये सीलिया इसके क्या किस तरह से हेल्प करेंगे ये सीलिया एक छन्नी का काम करते हैं ना तो फिल्टर कर देते हैं तो जो इसके मन का इसके लायक का इसके मतलब का फूड पार्टिकल होता है वो अंदर आ जाता है बाकी को ये बाहर कर देते हैं शॉर्ट आउट कर लेते हैं ओके सो so, अब हम आगे नेक्स्ट फिगर पे अब आप ध्यान दीजिए क्या हो गया ओके सो दिस इज़ द नेक्स्ट फिगर अब ये देखिए ये मैंने ख़ुद से बनाया हुआ है तो आपको एलिमेंट्री कनाल एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप इस तरह से पूरा हार्डमानिया का एक स्ट्रक्चर बनाओगे इंटरनल वाला ठीक है बना करके उसके अपर्चस को दिखाना है अपर्चस के अलावा बाहर एलिमेंट्री कैनाल दिख रहा है तो आप शुरुआत कैसे करोगे इसको थोड़ा सा इलाश करते हैं आप देखिए यहाँ पर सो सीलिया वाला जो पोर्शन मैं बोल रही थी आपको यहाँ पे बैंड्स नज़र आ रहे होंगे और प्लस इसके अलावा उसके पहले स्फिंक्टर नज़र आ रहा है तो जो ब्रैंकियल अपर्चर है उस ब्रेंकियल अपर्चर के बाद अंदर को स्फिंक्टर प्रेजेंट है और स्फिंक्टर के जस्ट बाद वाला पोर्शन इज पेरीफेरेंजियल ग्रूव तो स्फिंक्टर के बाद पेरीफेरेंजियल ग्रूफ पेरीफेरेंजियल ग्रूव के बाद है आपका पेरी फेरेंजियल बैंड और इस बैंड में आपको सीलिया भी नज़र आ रहे हैं तो पेरी फेरेंजियल ब्लैंड बैंड जो है उस पर आपको ध्यान देना होगा और उसमें सीलिया को रिप्रेजेंट करना होगा ठीक और इसके अलावा इसका जो ढेर सारा बॉडी पे आ, आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं ना वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स भी नज़र आ रहे हैं मसल्स के बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स ठीक है इसमें स्टिग्माटा भी प्रेजेंट है और इसके अलावा ट्रांसवर्स वेसल्स सो तो ट्रांसवर्स वेसल्स भी डार्क कलर में ब्लू ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है दो द स्टिग्माटा ठीक नीचे की तरफ को आप इसकी बेस पे देखिए एंडो स्टाइल है पूरा ट्यूबलाइट लंबा सा एंडो स्टाइल है सो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में माउथ है तो माउथ एंड बकल कैविटी को हम एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे द माउथ और ब्रैंकियल अपर्चर इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द ब्रेंक्यल साइफन बॉर्डर्ड बाय फोर लिप्स तो इसके फोर लिप्स आप देखो ये देखो ये फोर लिप्स ऊपर की तरफ एकदम नज़र आ रहे हैं ठीक है अपर्चर जिसको हम बोलते हैं उसके पास में लिप्स जैसे हमारे वैसे यहाँ पे इसके फोर लिप्स प्रेजेंट हैं ठीक है इट इटलीट्स इंटू बक्कल कैविटी तो आगे माउथ जो है वो बक्कल कैविटी में कंटिन्यू करेगा विच इज़ नैरो एंड ट्यूबुलर ट्यूब लाइक बक्कल कैविटी है द बक्कल कैविटी इज कॉन्टीन्यूड इंटू द कंप्लीट लेंथ ऑफ द ब्रेंक्यल साइफन अब ये बक्कल कैविटी ब्रेंकअल साइफन में आगे कंटिन्यू कर रहा है एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी अ रिंग ऑफ ब्रांचिंग टेंटिकल्स इज फाउंड तो यहाँ पर टेंटिकल्स जो हमने आपको वो सीलिया जैसा वो बैंड्स के बारे में बताया वो प्रेजेंट है टेंटिकल्स के फॉर्म में सो इट इट एक्ट्स एज डेलीकेट सू अलाउंग ओनली माइन्यूट फूड पार्टिकल्स टू गो इन तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये फिल्टर फीडर है तो जो इसके मतलब के छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं बस वो एंटर करते हैं बाकी एंटर नहीं करते उसको एंटर करने ही नहीं देता है सो इट इज़ इनर्वेटेड विथ नर्व सो ऑल्सो एक्ट एज कीमोसेंसरी ऑर्गन फॉर टेस्टिंग द वॉटर तो आप यहाँ पर ये भी एक चीज़ ध्यान दीजिए इसकी जो बकल कैविटी है वो एक तरह से नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है तो ये बकल कैविटी इसकी जो है कीमोसेंसरी ऑर्गन के फॉर्म में भी काम करती है क्यों ताकि वो वाटर को टेस्ट कर सके प्लस फूड पार्टिकल्स को भी वो टेस्ट कर सके ओके सो so, अब हम टाइम काफ़ी हो रहा है तो माउथ कैविटी के बाद मतलब पक्कल कैविटी आपको बता दिया इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू